मैं आपका दीप कुमार, आप देख रहे हैं सारा टाइम्स। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टीवी डिबेट में कासगंज पर ओर पड़ी टीवी एंकर पैनलिस्ट ने कहा आज बहुत खून बन रहा है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद दोनों को शांत करने में लगे। मानिक सरकार के सीएम सबसे गरीब, 5 बार से सीएम के खाते में मात्र 2410 रूपए। फर्जी सर्टिफिकेट में फंसे कांग्रेस विधायक और पूर्व सीएम, एक की सदस्यता रद्द, दूसरे के खिलाफ जांच के आदेश। मोदी सरकार ला रही है योजना, 5 साल से सभी खाली पद होंगे समाप्त, सभी मंत्रालय से मांगी गई रिपोर्ट। सियासी शिष्टाचार का खूबसूरत नजारा देखने को मिला, राहुल गांधी ने थामा आडवाणी का हाथ, हंस कर की बातें। सीलिंग पर दिल्ली में मचा हंगामा, बीजेपी ने सीएम आवास पर खोला मोर्चा, केजरीवाल बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 84 के सिख विरोधी दंगों पर कांग्रेस सांसद में, टाइटल ने खोला राजीव गांधी का राज, अब होगी जांच। केंद्रीय गृह मंत्री ने पाक को चेताया, राजनाथ ने कहा हमारी विनम्रता व शालीनता की एक हद है, पाक बाज आए अपनी हरकतों से। बच्चा जेल से फरार हुआ पाकिस्तानी किशोर, मालगाड़ी से बठिंडा पहुंचा, पुलिस ने लिया हिरासत में। प्रिंसिपल की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे अध्यापक, 18,000 प्राइवेट स्कूल रहे बंद, चंडीगढ़ में मनाया गया काला दिवस। अब खबरें देश विदेश से। पनामा पेपर्स मामले में नवाज शरीफ की आपत्ति को कोर्ट ने खारिज किया, अब चलेगा मुकदमा। मुगलसराय जंक्शन पर बरामद हुआ 13 किलो सोना, पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार, नेपाल के रास्ते आ रहा था सोना। चीन ताइवान के बीच बढ़ा तनाव, ताइवान ने किया युद्ध अभ्यास। यमन में राष्ट्रपति भवन तक सिमटी सरकार, विद्रोही ने अदन पर किया कब्जा, अब अरब देशों से अदन को बचाने की अपील। होप के साए में अमेरिका, उत्तर कोरिया कर सकता है हमला, दोनों देशों के बीच बड़ा तनाव। आमने सामने आए यूएस और रूसी विमान, अमेरिका ने रूस को दी चेतावनी, काला सागर पर मंडरात रहे दोनों देशों के विमान।